हाय दोस्तों, दिस इज़ करण दिस साइड विद द मद्रास टिप्स फॉर टुमारो। कल मद्रास की रेस है दोस्तों, परसों डर्बी है। रेस तो अच्छी लग रही है, आज का तो दिन सबको ही पता है। कार्ड देख के मैंने बता दिया था कि बेटर टू स्किप, और लेकर भी जाओ तो थोड़ा ही पैसा लेकर जाओ। चलो दोस्तों, आते डायरेक्ट टिप्स पे, क्या बात करना आज का तो छोड़ ही दो। लोग गाली लिख रहे हैं, फर्स्ट टिप्स ये वो। भाई आज ना अंदर की भी खबर आपको दिखा देता हूँ, अगर विश्वास नहीं होता है दिखा ही देता हूँ। चलो आप लोग को भी क्या शर्माना दिखाता हूँ। चलो ये देखो, ये देखो, ये है, ठीक है, देख लो, ये सब लोग नोट कर लो और जाके रिजल्ट देख लेना। ये अंदर की खबर थी, और अंदर की खबर दिखाता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है। फर्स्ट मैं बोलूँगा, संतोष का घोड़ा, हाँ बाबा भाव भेजना, श्योर। देख लिया, मैं ऐसे ही किसी को सीक्रेट कमांड नहीं बोल रहा था, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट कार्ड पर, ठीक है। मतलब अंदर की भी खबर निकाल लोगे तो भी आज बर्बाद होना था तो होना था, बस ख़त्म था वहीं पे, कैलकुलेशन सारी ख़त्म। पहले में संतोष कौन सा था जो फेवरेट लगा था, उसके साथ केएसवी प्रसाद राजू का हमको डबल मिला। मैंने आपको पहले ही बोला, शाम को मेरे को सुबह वही घोड़ा मिल रहा है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्होंने सोच लिया तो क्या कर सकते हैं। छोड़िए वो सब, जो हो गया हो गया, रात गई बात गई। पहली रेस आते दोस्तों, हार्ट ऑफ गोल्ड मेरे को इनके लिए पसंद है। घोड़ा ब्लड वेसल में फोर्थ भागा है, घोड़ा कल जीत सकता है। विन प्लेस लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए रेस में, आगे अच्छी रेसेस हैं। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है। यहाँ पे आप ज़्यादा मत लगाइए, इधर आप विन प्लेस करिए चुपचाप, और जरवन के घोड़े को प्लेस करिए, ऊटी एप्पल को, उससे ज़्यादा कुछ मत करिए। हार्ट ऑफ गोल्ड को विन प्लेस करिए। दूसरी रेस में दोस्तों, इसमें आप गुड कर सकते हैं थ्री विशेस, जो भी भाव मिले। देखिए लोग बोल रहे हैं तो इवन मनी का देता है, 50 पैसे का। भाई देखो, जो गुड है गुड है, 50 पैसे में लोग 5 पेटी भी खेल के हारते हैं, और 50 पैसा प्लेस खेल के लोग ना करोड़ों भी कमा सकते हैं, ठीक है। जिसको अगर कमाना है वो प्लेस भी, हम 50 पैसे में कितनी बार लोगों को देखते हैं, 50 पैसे में मिल लगाया घोड़ा हार गया। और कितने लोग क्या करते हैं, 50 पैसे में प्लेस लगाते हैं दिन का एक बेट, और चुपचाप ऑटो पकड़ के घर चले जाते हैं। अब लगाना है आपका काम है, मैं कुछ ही को कुछ कम बोल नहीं रहा हूँ, जो करना है कर लीजिए। गैंटन मुझे प्लेस के लिए पसंद है, उससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा मेरे को। ये तो हो गया, अभी लोग बोलेंगे यार तू वही छाप दे रहा है जो वो दे रहा है। अभी आते आगे आगे, यहाँ पे वाइस डॉन मेरे को पसंद है, घोड़ा जीतना चाहिए। डेविड एलन को बिठाना कोई सस्ता काम नहीं है दोस्तों, और बिठा के अगर खींचना है तो क्यों बिठाना। मैं इसको जरवन बिठा के भी फेवरेट बना के खा सकता हूँ। डेविड एलन को बिठाया जिताएंगे के एस मंदाना ने, ठीक है। तो ये वाइस डॉन मुझे विन के लिए पसंद है। वाइस डॉन जिनको प्रॉब्लम है ना कि मैं यहाँ पर देख के बोल रेस का और कॉपी कर लेता हूँ, तो उसके लिए बता रहा हूँ, उस भाई को बता रहा हूँ कि भाई वाइस डॉन यहाँ पर कुछ किसी ने नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ विन प्लेस, विन ही मेरे को लग रहा है। रेस कार्ड अच्छा है कल का, मेरे को मद्रास का अच्छा लग रहा है। दूसरा घोड़ा दोस्तों, अमाटरेसु, 2 नंबर मेरे को समझ में आ रहा है। ये घोड़ा दोस्तों थोड़ा सा नज़र में रखिए, अगर इसका प्लेस मिले ना तो छाप के खेलिए, क्योंकि ये लास्ट दिन ही ना सीआर बाला कुमार ने बहुत लगाया, बहुत लगाया। ये गधा जो पी अजीत कुमार है, इसने ढंग से चलाया नहीं, और घोड़ा नोस से हार गया, नोस से इसने हरा दिया। मतलब इसकी जो बोलते हैं ना सड़ी हुई राइडिंग के कारण ये हार गया घोड़ा। यश ने रेड्डू को बिठाया, अभी यश वहाँ पर अच्छा चला भी रहा है, मैं यही बोलूँगा, यश वहाँ पर अच्छा चला रहा है। भले वो जैसा भी राइडर है, किसी को ज़्यादा पब्लिक को पसंद नहीं है, बट वो अच्छा चला रहा है वहाँ पर अभी, ठीक है।
दूसरा घोड़ा वाइस डॉन मेरे को विन के लिए पसंद है। अमरेट्सु को आप छाप के प्लेस खेलिए, उस दिन सही में घोड़ा बहुत लगा था, 3.5 से लगते 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 1.5 रुपये बंद हुआ, यहाँ पे तो 2 दिखा रहा है। उसके बाद घोड़ा ये 9 से हार गया था, तो लगा हुआ घोड़ा है, इसको आप प्लेस तो पक्का करिए। बट वाइस डॉन देखिए, डेविड बैठ गया तो वहीं रेस की ख़त्म हो जाती है, अब क्या बोलें। अब आते हैं अगली रेस पे, चौथी रेस। इसमें दोस्तों मेरे को फेयरवेल पसंद है, और इस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैम्बल का भी सीन बन सकता है। दोनों रामस्वामी के घोड़े हैं, पेडिग्री में तो देखा जाए तो दोस्तों लॉर्ड एडमिरल सबको पता, बहुत अच्छी पेडिग्री है भाई। अपना अक्षय कुमार आज बहुत ही अच्छा हैदराबाद में चलाया, इतना अच्छा चलाया कि दिन का उसका 1 विन, जबकि इतना सड़ा हुआ कार्ड था कि वो कम से कम मेरे हिसाब से तो 4 विन मार सकता था। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 4 विन आराम से मार सकता था, बहुत। बट भाई अपना बहुत अच्छा चलाता है। इस अक्षय कुमार को ना भी बहुत साल लगेंगे ना सूरज नरेड्डू के ना पाँव पे भी गिरने के लिए, नौकर भी नहीं बन सकता ये सूरज नरेड्डू का, ठीक है। बहुत अच्छा चला है इसने, बट क्या कर सकते हैं, घोड़ा इसके पास अच्छा दिया है, क्या कर सकते हैं। ये लास्ट दिन भी मैं खेला था, लास्ट दिन भी मैंने टिप दिया था फेयरवेल जब भागा है, बट ये घोड़ा हार गया था। ये घोड़ा मुझे पसंद है, कल ये क्या किया था उस दिन, बस इस घोड़े को ढंग से जंप लेना है। अगर अक्षय कुमार ने अच्छे से जंप ले ली तो ये घोड़ा जीत जाएगा। उस दिन क्या हुआ, इसने ढंग से जंप नहीं ली, उसके बाद भाई साहब भगाते हुए ले गए सबसे आगे, घोड़े का पहले ही स्टेमिना की माँ बहने को चुकी थी। उसके बाद घोड़ा आके पीछे से, उमेश ने मंजरी का एक घोड़ा था कैटेडिन, आगे शायद रेस में है, वो मार दिया इसको। ये देख लीजिए कैटेडिन, ये मंजरी का एक घोड़ा, आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है, उसने मारा था इसको। पेडिग्री वाइज देखिए दोस्तों, लॉर्ड एडमिरल है, ये जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ रामस्वामी लोगों ने खेला तो सुप्रीम एक्सेलराइजर जो है वो बहुत अच्छा ट्रैक दे रहा है, ये भी अच्छा ट्रैक दे रहा है, ये घोड़ा प्लेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। 7 घोड़े हैं, मैं तो बोलूँगा फेयरवेल को विन लगाइए, एक बार चांस और लेते हैं, घोड़ा अच्छा है, जितना अच्छी मेरे हिसाब से। बस जंप भाई अपना ढंग से ले ले अक्षय कुमार। अब आते हैं दोस्तों आगे वाली रेस में, ये है दिन की सबसे तगड़ी रेस, सबसे बड़ी रेस, जुविनाइल मिलियन, 10 लाख का कप है, इसमें सब फॉरेन राइडर्स को बिठाया गया है, तगड़े तगड़े। देखिए दोस्तों, इसमें एक घोड़ा तो मेरा फेवरेट ही है, जो है 3 नंबर एने बुलियन, ये मैंने उस दिन टिप में भी दिया था, 6.5-6 के बाजार में चौहान पहला ही दिन, मतलब दिन की पहली रेस, और लेके 6.5 के बाजार में जीत गया, आगे से आगे विदाउट पुशिंग कुछ भी नहीं, ऐसा हल्का हल्का दे के जीत गया घोड़ा। ये घोड़ा बहुत स्ट्रांग बन रहा है, बट अगेन डेविड एलन का घोड़ा जो सेक्रेटेरिया है ना, वो भी बहुत मजबूत है, उसका ट्रैक बहुत अमेजिंग है, और मार भी सकता है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मार सकता है इसको, ठीक है दोस्तों। तो और ऊपर से बस एक चीज़ इसमें मेरे को बहुत अजूबा लग रहा है, अजूबा जो बोलते हैं ना रेस में, लग रहा है कि डेविड एलन पे, इस घोड़े पे ओनर और ट्रेनर कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस आपको इस बात पे दिखाता हूँ, इस पे वेट दिया है 52, ठीक है 52 दिया है। अब आता है जॉकी का वेट, डेविड एलन का कितना वेट दिख रहा है, 55 दिख रहा है यहाँ पे, 55 अब 55 kg का जॉकी तुम बिठा रहे हो, जबकि तुम्हारे पे वेट हैंडीकैपर बोल रहा है 52 डालो, तो 3 kg तुम ओवर वेट लेके जा रहे हो, तो क्यों लेके जा रहे हो, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट ऑन द हॉर्स। जो भाइयों को ये लगता है ना, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये भी भाई देख लो यार, यहाँ पे तीनों लॉर्डशिप दिया, स्टार टेम्पलर दिया, एनी बुलियन दिया है, डेविड एलन का घोड़ा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये विन करेगा, ठीक है, ठीक है भाइयों। जिसको भी प्रॉब्लम होती ना कि मैं बोल रहे से छाप लेता हूँ, तो उसी को मैं बता दे रहा हूँ कि नीचे कहीं नहीं दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जीतना चाहिए घोड़ा। एने बुलियन दोस्तों प्लेस करिए आप, मैं यही बोलूँगा, सिर्फ प्लेस करिए घोड़ा, ये भी अच्छा है, डेविड ईगन को बिठाया, आगे तो निकाल लेगा, ये आगे भागता है घोड़ा, ठीक है, एलन जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यही दोनों में रेस लग रही है दोस्तों, 3 और 7 में रेस है, मेरे हिसाब से डेविड एलन जीतना चाहिए, कुछ भी है डेविड ईगन से तो बहुत एक्सपीरियंस जॉकी है डेविड एलन। छठवीं रेस में आते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों छठवीं रेस में भी
मेरे को 12 नंबर पसंद है अक्षय कुमार। उस दिन ये अक्षय कुमार आया नहीं चेन्नई, जो लास्ट दिन ये 60 पैसे में हारा है घोड़ा, ये उस दिन अक्षय कुमार आया नहीं था। जरवन के हाथ में घोड़ा था, जरवन ने इसको पीछे रखा, जबकि ये बैंगलोर का घोड़ा है बेसिकली। यहाँ पे एमिन मर्चेंट एक बार इसको कहाँ तो चलाया है, पांचवा आया था, हाँ एमिन मर्चेंट देखिए चलाया है, शेफनबर्ग से हारा था। ये घोड़ा इनिया तुल्ला के पास था एक्चुअली, और ये था पैथी का घोड़ा होता था उस समय बैंगलोर में, एस पैथी का। तो ये घोड़े को इसने ढंग से आगे निकाला नहीं था, ब्लू ब्लिस को, ठीक है, जरवन ने लास्ट रन में। ये एक्चुअली फ्रंट रनर घोड़ा है, इसको अगर फ्रंट ले लिया, इसने आठवां गेट है मानते हैं, अगर इसने फ्रंट निकाल लिया तो घोड़ा पक्का जीत जाएगा। 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर का गोली घोड़ा है, गोली है, ट्रैक अच्छा है, सब अच्छा है, बस अक्षय कुमार को इसको ले के बस आगे भागना है, जहाँ ये आगे भागा वहाँ ये जीता, छोड़ देना, ठीक है। और दूसरा जो घोड़ा मेरे को इसमें मैं बोलूँगा आपको प्लेस के लिए, कहाँ गया, वेलकम बेबी, ये प्लेस करेगा दोस्तों, ये प्लेस कर जाएगा वेलकम बेबी, क्योंकि ये तगड़ा, इसका भी टाइमिंग देखिए, 58 में ख़त्म कर रहा, 58.44, जबकि ये 59.03। बट बस यही है, एक चीज़ बोलूँगा, अगर इसने आगे ले लिया तो नहीं हारेगा ये घोड़ा, कुछ भी कर लो नहीं हारेगा ये घोड़ा। 12 नंबर, मैसूर रेस क्लब का, इसमें भी दोस्तों अक्षय कुमार का ही घोड़ा है, स्टार वेव्स। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, ये लास्ट दिन मुझे अंदरूनी खबर थी ये घोड़ा जीतेगा, और ये हार गया था। तो जो अंदरूनी खबर वाला घोड़ा होता है ना, अगर वो हार जाए तो अगली बार पे तो खेलता ही हूँ मैं, और जीत भी जाता कभी। एक बार गोल्डन गेस्ट जब अपना पहला रन भागा तो 2-2 रुपये में था, तो उस दिन उसको मारा था आपके इस डैडी स्प्राइट ने, चौहान बैठ के, अगले रन पे 4 रुपये भाव मिला, घोड़ा गुड करके विन, संदेश। तो अगले रन पे मैं खेलता हूँ, मैं आपको ही बोलूँगा एक बार चांस ले लो, घोड़ा तगड़ा है। इसमें जो दोस्तों प्लेस के लिए समझ में आ रहा है, एक थोड़ा सा डेंजर घोड़ा है, बट मैं तब भी आपको बता देता हूँ, राजेंद्र सिंह का जो घोड़ा है ना, 15-15 के बाजार में प्लेस है, इसका ट्रैक अच्छा है, बट यही है कि जॉकी इतना कॉन्फिडेंट नहीं मिला इसको, मेन चीज़ है इसको जॉकी इतना कॉन्फिडेंट नहीं मिला है। तो मैं आपको बोलूँगा आप उसको विन करिए, ब्रेक द साइलेंस भी अच्छा भाग रहा है, देखिए बोर्ड में आ रहा है, बट इसको वेट ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, और इस बार इसको एल्युमिनियम दिया है। अब देखते हैं सेबेस्टियन हरन से यश नरेडू के साथ जाता है, ए एम आलम के साथ जाता है, वो कन्फ्यूजन मेरे को दिमाग में क्रिएट हो रहा है। बट मैं तो बोलूँगा कि आप कुछ भी हो, यश नरेडू के साथ ही जाइए, बाहर से बुलाया है उसी के साथ, क्योंकि वो तो अप्रेंटिस जॉकी, उससे थोड़ी सी भी एक गलती हुई घोड़ा बोर्ड से बाहर हो सकता है, एक छोटी सी गलती और घोड़ा बोर्ड से बाहर हो जाएगा। तो यही मैं आपको बोलूँगा कि यही करिए, कल रेस कार्ड अच्छा दिख रहा है दोस्तों, कमा सकते हैं, बट थोड़ा संभल के खेलना होगा, क्योंकि चेन्नई है दोस्तों। अब जैसे अक्षय कुमार ने नहीं निकाला आगे, तो आप समझ जाओ फिर क्या ही होना है इससे पहले वाली रेस वाला। तो वही है, अक्षय कुमार पे बहुत कुछ डिपेंड है कल। डेविड तो अपना काम कर ही लेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है डेविड पे, सूरज रेड्डोस, डेविड, ये सब दो तीन जॉकीज हैं जिन पर कॉन्फिडेंस रहता है। बट अक्षय कुमार बोल तो रहे हैं, वो आजकल सुपरस्टार है लोगों का, क्या चला भी रहा है सुपरस्टार जैसा, मस्त, बिल्कुल मलाई जैसा आज तो चला हैदराबाद में, क्या चलाता है, मतलब उसका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। ऐसा घोड़ा मेरे को दे दो, मैं 80 kg का आदमी हूँ, 90 kg का आदमी हूँ, मैं उससे ढंग से चला के दिखा दूँगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।